चाबियां हाथ लगते ही उसे संभालने वाली भी मिल गई। इससे सेटिंग करने की ट्राई करनी चाहिए। स्क्वीज मी। हाँ कहो। ये चाबी आपकी है? नहीं तो आपकी है? नहीं मेरी भी नहीं है। नहीं है तो फिर उठाई क्यों? सोचा जिसकी होगी उसे वापस कर दूंगा। लोगों से पूछ पूछ के फेंक दोगे, उससे अच्छा यहीं पर छोड़ दो उसे, जिसकी होगी वो आकर खुद ही ले जाएगा। रख दो उसे यहीं, ओके? रखूंगा नहीं फेंकूंगा। ये साइकिल वाला कुछ ढूंढ रहा है। भाई साहब चाबी खोई है क्या? हाँ भाई। यही है ना? थैंक्स भाई। क्या देखते प्यार हो गया? उसे भी हो गया तभी तो पलट के देखी। कैसे पता वो प्यार से देख रही है? गुस्से में लड़की मुड़ के देख नहीं सकती है क्या? गुस्सा तो तू दिला रहा है, भागे से। ए कहाँ जा रहा है? ओए सुन, यहाँ बैठ के खा रही है? क्या मेरे पैसे की खारी क्या? यहां से उंगलियां चाट के खाओ। अब थूक। तो जैसा गधा देखा नहीं, इसीलिए तो कब से कह रही हूं तुझे। स्वप्न सुंदरी। स्वप्ना। स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी। तूने स्वप्न सुंदरी को गाड़ी चलाने से रोका? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो दिखा ना। हाँ दे दो। ये नारियल वाला बहुत पसंद है मुझे। वो क्रीम वाला नहीं लाया आज तू? अपनी बोली तो हो गई। थैंक यू अंकल। कभी केक चॉकलेट गाय की तरह कुछ ना कुछ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। और कभी एक बाइट मांग भी लो ना तो मुंह फुला लेती है। तुम बोलते रहो। फिर उसे मनाने के लिए कुछ और खिलाना पड़ता है। अरे वाह बिरयानी, दो प्लेट बिरयानी। अबे चश्मा क्यों पहन रही है? किसी पे गुस्सा आ रहा है बस। अरे भाई लगता पेट्रोल लीक हो रहा है। पेट्रोल नहीं है रे, एक डॉगी यहाँ से गुजरा था। चल बहुत टाइम पास कर लिया, निकलते हैं यहाँ से। मोटरसाइकिल का बजट नहीं, साइकिल देखते हैं। आगे गली वहाँ पे बच्चे साइकिल पे स्टंट्स करते हैं। तुझे बोला था ना प्यार के चक्कर में अच्छे चुकी नैया डूब जाती है, तो ले। मैं धीरे करना। पागल है यार। ये ले, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बॉस पैसे तैयार रखना। हाँ दे दूंगा। Yes! ये ले। उसने मेरा दाना चुग लिया है। जब से उससे प्यार हुआ है 10 मिनट भी उससे दूर नहीं रह पाता हूँ। मैं होता तो मुझे वो 10 मिनट भी फांसी का फंदा लगता है। अबे जब तुझे कोई मिलेगी ना तो 10 साल तक मुझे नहीं मिलेगा। देखा उसने? हाँ देखा। हाँ अरे शर्ट रख ले। थैंक्स। ये ले पैसे रख। चल चल निकल। ए रुक रुक। सड़क छाप रोमियो, सर्कस कंपनी में काम करते हो क्या? सर्कस तो नहीं पर काफी सारी कंपनियों का मालिक हूँ। तो दिन भर बाइक पर फालतू क्यों घूमते रहते हो? बाइक स्टंट करना कोई मामूली काम है क्या? इतनी मुश्किल से मैंने सीखा क्योंकि तुम्हें पसंद है। मुझे पसंद है ऐसा तुमसे किसने कहा? क्योंकि उस दिन सड़क पे उस लड़के ने विली मारी तो तुम्हारे मुझसे हाय उई हाय दया निकला। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी हड्डी पसली टूटने वाली है। तुम्हें भी शौक है अपनी हड्डी पसली तुड़वाने का? सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया।
बोलती क्यों बंद होगी? जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ कह तो दूं, पर क्या तुम सुनने को तैयार हो? ठीक है, कह देता हूँ, आई लव यू। क्या मारोगी तो नहीं ना? कुछ नहीं करूंगी। पिछले 5 सालों में 500 लड़कों ने मुझे इसी बोरिंग तरीके से प्रपोज किया है, तो कल मजेदार तरीके से करूं? इससे पहले कि मेरा दिमाग ज्यादा हटे, तू निकल जा यहाँ से। नाके तक बाइक पर चलो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ब्रेक नहीं मारूंगा। हे भगवान, तुम लड़कों को कुछ समझ क्यों नहीं आता? कितने बुद्धू हो, लड़की कोई ऐसे पढ़ाता है? किसी को पता भी होगा तुम जैसी लड़की कैसे पढ़ती है तो बताएगा थोड़ी, लेकिन तुम पढ़ गई ना तो मैं उसकी क्लासेस जरूर खोलूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? संजय नाथन। संजय नाम होने से कोई हीरो नहीं बन जाता। स्वप्न सुंदरी नाम रखने से कोई मिस यूनिवर्स नहीं बन जाती। स्वप्न सुंदरी नहीं, सिर्फ स्वप्न, जो कभी पूरा होगा। मजाक कर रहा था। तो फिर प्रॉमिस करो। प्रॉमिस तुम्हारे नाम के आगे सुंदरी नहीं लगाऊंगा। अरे बाबा वो नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि बाइक पर स्टंट नहीं करोगे। अरे पक्का प्रॉमिस, यूं समझ लो मुझे कभी स्टंट करना आता ही नहीं था। एक और प्रॉमिस करो। और क्या चाहिए? तुम बाइक चलाना छोड़ोगे नहीं। अरे क्यों छोड़ूंगा, पैदल थोड़ी चलना है मुझे। तो क्या तुम मुझे रोज घर से कॉलेज ड्रॉप करने आओगे? क्यों, क्या हुआ? पहले तुम भी प्रॉमिस करो। क्या? ड्राइवर बनाने के बाद प्यार का प्रमोशन होगा। ओके प्रॉमिस, आज से शुरू करें। बड़ी लालची लड़की है, बाइक के चक्कर में ही पड़ गई। ओह टच भी किया, थोड़ा चिपक के बैठो ना वरना लोग गलत समझेंगे। ओह मेरी मम्मी ने मुझे देखा ना तो मेरी जान ले लेगी। अरे उनको भी बिठा लूंगा। मतलब मंदिर, किटी पार्टी, जहाँ भी जाना उन्हें भी छोड़ दूंगा। अरे क्या हुआ? ब्रेक मार के बाइक का पैसा वसूल कर रहा था। सुनो किसी अच्छी जगह चलते हैं ना। मरीना चले? नहीं वहाँ नहीं, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो किस रेस्टोरेंट में चलते हैं? अच्छा मैं आज अपनी पर्स लेना भूल गई हूँ, तो तुम अपनी ले लेना। ओके आज मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? क्योंकि जितना तू खाती है उस हिसाब से तो मुझे हमेशा उपवास रखना पड़ेगा। सत्यम चलते हैं। सत्यम? हाँ वहाँ चलते हैं। एक बर्गर, ये एक मुझे कंगाल करके रहेगी। हाय, चलो मरीना भी चले। क्या जब देखो मरीना मरीना, देखो तो सही कितनी गर्मी है। जब गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी उसके बाद मरीना बीच जाएंगे। तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी ना? तुम्हें कैसे पता? मेरे मन की बात बिना बोले ही समझ जाते हो। एक दिन यह लड़की तुझे कंगाल करके रख देगी, मेरी बात याद रखना बच्चू। बैठ गई मैं, चले। 5 महीने से मौसम के ठंडे होने का इंतजार किया और आज जब उसे यहाँ लेकर आया तो तुम बच्चों ने सब कुछ। ये आ गया चने वाला, ये चने वाला। मैंने तुम लोग के रहने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम लोग इस बोट में रह सकते हो, बस 100 रुपया भाड़ा होगा। शुक्रिया दोस्त। अच्छा सुन, तू हम दोनों के साथ दोस्ती करेगा? हाँ करूँगा ना, तीनों हमेशा साथ रहेंगे। तीन नहीं, हम एक हैं। आपस में लड़के क्या फायदा होगा, दोस्त बन के रहते ना अच्छे से। हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। हार्बर पर चाय बेचेंगे ना, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर चलकर देखें एक बार। अंदर जाएंगे कैसे? वो तो मुझ पर छोड़। व्हाट से? यस। बारिश में धंधे की वाट लग जाती है। हाँ यार। 2 महीने हो गए हैं लेकिन उस बच्चे का अभी तक कोई पता नहीं चला। एक काम करो, तुम दोनों खुद चेन्नई जाओ, लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को पता ना चले। ये मामला मेरे बेटे का है, इसलिए इसमें जो खर्चा होगा वो मैं खुद दूंगा। यस सर। अपन क्या इतना दूर दूर से प्लेन देखते हैं? मैं तो कहता हूँ एयरपोर्ट चलकर पास से देखते हैं। तो गली चलते देखने के लिए। हाँ चलो फिर कल एयरपोर्ट चलते हैं सब। वो यहीं कहीं होना चाहिए। पहले होटल में एक रूम लेके फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? बच्चों ने साइकिल किराए पर ली, उसे सजाया और उड़ चले एयरपोर्ट की तरफ। सर का फोन है। हाँ सर कहिए। हाँ मुकेश पहुंच गए तुम लोग? हम लोगों ने अभी लैंड किया है सर। क्या अभी लैंड किया है? अरे वो प्लेन कितना नीचे से गया। हेलो हेलो, यस सर। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर एक फ्लाइट हमारे ऊपर से निकल गई। टाइम पास चल रहा वहाँ। 24 घंटे में ढूंढ के निकाल लेंगे। जल्दी करो, भरोसा रखिए सर, हम ढूंढ लेंगे।
क्या करने भेजा और क्या कर रहे हैं। इसका चालान काटेंगे तो कितना मिलेगा? क्या पता, इन्हें भेज के गलती तो नहीं करती। अरे ये तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। तो अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो? चुप रहे यार। अरे मैं मजाक कर रहा था। आओ चलो और नजदीक से देखते हैं। चलो कितना बड़ा है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। जब देखो इसके दर्शन पहले हो जाते, किसी ने इसे जानबूझकर मेरे पीछे छोड़ा हुआ तो नहीं है? कोई बात नहीं, मैं अपने फोकस को नहीं हटने दूंगा, बीच पर कार्यक्रम करके ही रहूंगा। चना गरम चना गरम चना गरम चना गरम, चाय कॉफी चाय कॉफी, चना चना सौ ग्राम। अरे बाप रे, ये बच्चा पार्टी यहाँ पर भी है? हाँ सब यही। एक काम करते हैं, उस कोने में चलते हैं। नहीं मुझे कोने वोने पसंद नहीं है। कोने में जाने से पहले सब ये बोलती हैं, बाद में ड्रैकुला बन जाती हैं। चलो यहीं चलते हैं। भैया चना लो। ये क्या, तुमने भी दुकान खोल दिया? अरे तू जाना यार, ये कर दिया स्टेटस अपडेट, अब कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगा, ठीक है ना? क्यों हंस रहे हो? एक जोक आया है। मुझे भी सुनाओ ना। कुछ खास नहीं है, दोस्त ने भेजा है। आज सिर्फ ये मैसेज छुपा रहे हो, कल उठकर पता नहीं मुझसे क्या क्या छुपाओगे तुम। भौंकना सुंदरी। स्वप्ना। हाँ स्वप्ना, सॉरी मैं तुम्हें मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है ना? वैसे भी लड़कों को अकल थोड़ी देर से आती है। और तुम लोगों को आती नहीं है। लड़कियों के बिना ये दुनिया कैसी होगी? इंटरेस्टिंग, जवाब क्या है? हर जगह शांति होगी, सारे पार्क और बीच खाली हो जाएंगे। वो तो है, सब कितना बोरिंग होगा ना। सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, मोबाइल कंपनियां तक बंद हो जाएंगी, मैसेज और कॉल पर किट किट की झंझट ही नहीं, गहनों और परफ्यूम की दुकानें बंद हो जाएंगी, बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, उनके बाप को कितना फक्र होगा, दारू के सारे अड्डे हमेशा के लिए बंद। जब फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। अब तुम्हें ये सब सुनकर खुशी हो रही है ना? ना ब्रेकअप का टेंशन, ना पैचअप का स्ट्रेस, ना ही बर्थडे याद रखने का कोई सरदर्द। थू, कितना घटिया मैसेज है। नहीं वैसे देखा जाए तो इंसानों के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। नहीं मतलब सारी प्रॉब्लम हमारी वजह से है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दोस्त बोल रहा है। तुम्हारा दोस्त घटिया आदमी है जिसे औरतों की इज्जत करना ही नहीं आता। आज के बाद तुम उससे फ्रेंडशिप तोड़ दो वरना वो तुम्हें भी बिगाड़ देगा। लिस्ट में बस यही बात लिखना भूल गया। वो क्या? कि किसी लड़के को अपनी दोस्ती कभी तोड़नी नहीं पड़ेगी। ये सब सुन के भूख लग गई होगी ना, चाय में मक्खी गिरी थी। तुम्हारी सोचना इस चाय से भी ज्यादा घटिया। अच्छा मजाक करती हो। सच कह रही हूँ।